वेलकम टू फैक्ट पैक दोस्तों। वैसे तो 21st सेंचुरी में अनेक आविष्कार हुए, पर आज हम उनमें से कुछ ऐसे आविष्कारों पर नजर डालते हैं जिसने पूरी दुनिया बदल दी। फैक्ट नंबर 1, मॉडर्न आर्टिफिशियल पैनक्रियास। ये तो हम सबको पता है कि पैनक्रियास हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। पैनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो फूड डाइजेशन और ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, पर एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन में ये काम करना बंद कर देता है। इससे निपटने के लिए डॉक्टर्स ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे आर्टिफिशियल पैनक्रियास कहते हैं, जो आपका ब्लड शुगर रेगुलेट करने में मदद करती है। इसे प्रोफेसर रोमन होवर द्वारा बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2, जीन एडिटिंग। क्या आपको पता है कि आपके जेनेटिक मटेरियल को एडिट किया जा सकता है? जेनेटिक मटेरियल यानी वो लिक्विड जिसमें हमारे शरीर की सारी जानकारियाँ होती है, हमारी बीमारियाँ, हमारे फीचर्स, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी वगैरह। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बीमारियां है वो आप तक ही सीमित रहे, आपके बच्चों में ना जाए, तो आप अपना जेनेटिक मटेरियल एडिट करवा सकते हैं। इस तकनीक को 2012 में विकसित किया गया था 2 महिलाओं द्वारा, जेनिफर और इमैनुअल। दोनों को इस खोज के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड भी दिया गया है। फैक्ट नंबर 3, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सब तो जानते हैं कि मोबाइल फोन आज के ज़माने में कितने ज़रूरी हो चुके हैं। पहला स्मार्टफोन 1992 में लॉन्च हुआ था, जो आज के मुकाबले में बहुत ऑर्डिनरी है, पर इस इंडस्ट्री ने कुछ ही दशकों में अपने पैर तो पूरी दुनिया भर में फैला लिए हैं। मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़रूरी पार्ट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना एडवांस मोबाइल उतना ही एडवांस। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी ने बनाया था और कब बनाया था? दुनिया का सबसे पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पाम नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया था, जिसे 1996 में लॉन्च किया गया था। फैक्ट नंबर 4, रीयूजेबल रॉकेट। वैसे तो हम सबको पता है कि रॉकेट बनाना और उड़ाना कितना महंगा होता है। स्पेसएक्स कंपनी के मुताबिक एक सिंपल रॉकेट बनाने में भी $57 मिलियन का खर्च आता है। पर मैं आपसे कहूँ कि एक रॉकेट को वापस उड़ाकर उसे फिर से उड़ाया जा सकता है तो? इलॉन मस्क ने ये नामुमकिन काम कर दिखाया है। उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जिसे एक बार उड़ाकर फिर से उड़ाया जा सके। इसका सक्सेसफुल लॉन्च 30 मार्च 2017 को हुआ था, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। फैक्ट नंबर 5, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया पे आज छोटे से लेके बड़े सब लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे। पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? ना वो यूट्यूब थी, ना वो इंस्टाग्राम थी, ना ही वो ट्विटर, ना ही फेसबुक, इनमें से एक भी नहीं थी। सोशल मीडिया की सबसे पहली साइट 6 डिग्री नाम की एक वेबसाइट थी, जिसे एंड्रयू बेनी रिच द्वारा बनाया गया था।